नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। बीते कई दिनों से शिवसेना वर्सेस कंगना देखने को मिल रहा है। वहीं शुरुआत से ही सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करती आ रही कंगना रनौत ने एक बार फिर इस मामले पर अपना बयान जारी किया। कंगना ने पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के कई एक्टर्स डायरेक्टर पर निशाना साध नेपोटिज्म की पोल खोल चुकी। वहीं कंगना सुशांत मामले को लेकर अब तक कई एक्ट्रेसेस को आड़े हाथ ले चुकी है, जिनमें दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान और आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेसेस के नाम सबसे ऊपर हैं। अब कंगना ने एक बार फिर दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन को लेकर टिप्पणी की है। दरअसल कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर किया है, जहां ये दावा किया है कि एम्स के डॉक्टरों ने सुशांत की खुदकुशी की संभावना को खारिज किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, एम्स की मेडिकल टीम ने आत्महत्या की संभावना को खारिज किया है और गला घोटकर हत्या करने की आशंका जताई है। कहा है डिप्रेशन क्या? अगर डिप्रेशन डायबिटीज या कैंसर की तरह होता है तो हम ये क्यों नहीं कहते कि डायबिटीज या कैंसर के मरीज ने खुदकुशी की। तो देखा आपने, कंगना ने अपने इस ट्वीट के जरिए दीपिका पर निशाना साधते हुए कहा कि कहाँ है डिप्रेशन गैंग। बता दें कि एक समय में खुद डिप्रेशन का शिकार हुए दीपिका ने रिपीट आफ्टर मी नाम से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया था, जहां उन्होंने डिप्रेशन को कैंसर और डायबिटीज की तरह ही एक बीमारी बताई थी। इसे लेकर ही अब कंगना ने दीपिका पर तंज कसा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने दीपिका को लताड़ लगाई हो। इससे पहले भी कंगना दीपिका को खरी खोटी सुना चुकी है। कुछ दिनों पहले ही कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना की बातों पर हमेशा चुप्पी साधने वाली दीपिका क्या इस बार भी चुप रहेंगी या फिर कंगना के इस ट्वीट का जवाब देंगी।